मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भिलाई 3 के नवीन तहसील कार्यालय व उप तहसील कार्यालय का शुभारंभ कर कार्यालय का भ्रमण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस तहसील का शुभारंभ होते ही दुर्ग जिले में 6वें तहसील के रूप में भिलाई 3 प्रभावशील हुआ। तहसील शुभारंभ करने के बाद मुख्यमंत्री ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भिलाई 3 में नवीन तहसील कार्यालय और उप तहसील खुलने से जितनी खुशी आप लोगों को हो रही है उतनी ही खुशी मुझे भी हो रही है, क्योंकि मैं खुद यहाँ का निवासी हूँ और यहाँ का किसान हूँ। हमने अब तक 85 तहसीलों की घोषणा कर दी है जिसमें 52 प्रभावशील हैं। हमारी सरकार ने 3 साल के भीतर ही अब तक 6 जिलों का भी गठन कर दिया है। मुख्यमंत्री ने मंत्री गुरु रुद्र कुमार की मांग पर सर्वे कराने के बाद नल जल योजना प्रारंभ करने की घोषणा की। उन्होंने भिलाई 3 में अनुविभाग की घोषणा के साथ स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल की मांग पर परीक्षण कराकर निर्णय लेने की बात कही। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने भिलाई 3 में उप रजिस्ट्रार कार्यालय खोलने की भी घोषणा की। उन्होंने नवनिर्मित कार्यालय व उप तहसील में बाउंड्री वॉल की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने मंच ने अक्षय तृतीया की बधाई एवं शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के साथ मंत्री गुरु रुद्र कुमार, महापौर निर्मल कोसरे, सभापति कृष्णा चंद्राकर सहित अन्य क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि मंचस्थ थे। उप तहसील कार्यालय का भी उद्घाटन हुआ है और इस बीच में यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने जो मांग की है कि इसका बाउंड्री वॉल भी हो जाए उसकी भी घोषणा की, और साथ ही ये भिलाई नगर निगम क्षेत्र, जामुल नगर निगम क्षेत्र, कुम्हारी नगर पालिका क्षेत्र और एहमारा, ये भिलाई 3 तहसील और एहमारा तहसील दोनों को मिला के एक अनुभाग के भी मैंने घोषणा की, ताकि SDM यहाँ परमानेंट बैठे। ये आम जनता के, किसानों के लिए, सबके लिए सुविधाजनक होगी और यहाँ उप पंजीयक कार्यालय के भी मैंने घोषणा की थी कि उप पंजीयक के बैठने से निश्चित रूप से जो लगातार दबाव दुर्ग और पाटन में पड़ता है जो खरीदी, जमीन खरीदी बिक्री करने वाले को, यहाँ एक उप पंजीयक कार्यालय भी होगा, उससे आम जनता को सुविधा होगी। पेयजल के मामले में बात हमारे मंत्री जी ने कही है, उनका क्षेत्र है तो उसके सर्वे करने की बात उनकी है। स्टेडियम वहाँ जनता स्कूल से लगा हुआ खेल का मैदान था, अब वहाँ बस्ती बस गई थी और गुरु रुद्र कुमार जी के प्रयास से वो खाली हुआ है, क्योंकि वहाँ एक मंदिर है और एक वहाँ पे जैत खाम है, तो दोनों सहमत हैं और उसमें जो स्टेडियम बनेगा तो एक कार्नर में जहाँ दुकानें खुलेगी तो 2 दुकान कम करके वहाँ पे जैत खाम और मंदिर का निर्माण कर दिया जाएगा। अभी तो ऐसी कोई मांग नहीं है, लेकिन एक चीज़ बात सही है, दुर्ग, भिलाई, रिसाली, उसके बाद भिलाई चरौदा, जामुल, फिर कुम्हारी और उसके बाद फिर रायपुर, बिरगांव, ये सारे नगर निगम क्षेत्र हैं। तो ये तो जनता के ऊपर है, कभी इधर से पूरे इस क्षेत्र से, क्योंकि 2 जिला इसमें पड़ता है और यदि बड़े महानगरों की तरह इसकी कल्पना की जाए तो ये तो लोगों की डिमांड पर है, अभी शासन के तरफ से इस प्रकार कोई विचार नहीं है। डिमांड बहुत सारी आ रही है कि इसको महानगर पालिका बनाया जाए, ये तो अभी चर्चा में, अब आप लोग चर्चा कर रहे हैं, पहली बार तो सुन रहा हूँ। लेकिन एक बात है कि ये राष्ट्रीय राजमार्ग में 50-60 किलोमीटर लंबा शहर बहुत कम जगह देखने को मिलता है पूरे देश भर में।